अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे और मज़े में होंगे। और आज की जो सुबह है ये गुजर चुकी है और अब हो रहा है दोपहर का टाइम, और खाना हमारा खाना चढ़ गया है चूल्हे पे। ये देखें जी, आप पक रहा है क्या। आज तो ऐसी डिश है कि आपको मज़ा ही आ जाएगा। लगाएं लगाएं, अंदाज़ा लगाएं। शाबाश, वेरी गुड, समझ गए हैं। ये पक रहा है कीमा जनाब अली। आज सुबह सुबह हमारे घर कीमा आ गया और मैंने कीमा अभी चढ़ा दिया है। तो कीमा से मेरे पास ये आधा किलो से ज़्यादा ही है, और मैंने इसमें 3 प्याज डाले हैं बड़े, और 3 टमाटर डाले, और साथ में मैंने हरी मिर्चें पीस के डाली हैं ताज़ा, और लहसुन अदरक ताज़ा डाला है 2 चम्मच भर के, और साथ में नमक मिर्च हल्दी। ये मसाले तो आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा आटा है, आटा हमारा हाफ डन हो गया है, और अभी मैं इसको गूंदूँगी दोबारा से। देखें ये हाफ डन आटा इसलिए होता है कि इसके बाद आपने आटे को इकट्ठा किया ऐसे जैसे मैंने कर दिया अभी। अब 10 मिनट इसको रेस्ट देंगे, 10 मिनट के बाद जब इसको हम गूंदना शुरू करेंगे तो अब यकीन करें इतना ये नरम मुलायम आटा होता है कि आप फ़ौरन से इसकी रोटी पका सकते हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप वैसे आपने आटा गूंदा कि जैसे पूरा गूंद के रख दिया तो फिर वो आटे में ना वो क्रैक से पड़ जाते हैं, उसको काफ़ी देर हो जाती है रेस्ट दे के रोटी पकाने में। तो इस तरीके से आप गूंदेंगे बिल्कुल नरम मुलायम आटा लगेगा जैसे मक्खन मलाई गूंद रहे हैं। और आज मैं कीमे में डालूंगी क्या, तो ये है हमारे पास मटर, मेरे पास रखे थे थोड़े से हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, कीमा तो पक ही जाएगा ना। और आज मैंने नहाना भी है, मैं भी अपने कपड़े वॉशरूम में रख के आई हूँ, तो ये कीमा डन हो जाए फिर मैं नहाऊँगी। और मेरी आवाज़ से आपको पता लग रहा होगा कितनी ख़राब है अभी, आज मेरी तबीयत काफ़ी दिनों बाद थोड़ी सी ठीक हुई है, तो इतनी ज़्यादा खांसी बुखार ज़ुकाम हो रहा था, उसके बाद मेरी आवाज़ ही ख़राब हो गई, बारी बारी सी लग रही होगी आपको। तो इसको हम बंद करके जाते हैं अंदर और देखते हैं कमरे की क्या सिचुएशन है। तो अभी हमारे बिस्तर हैं थोड़े से फैले हुए हैं, इनको मैं ठीक करूँगी। और इसके बाद मैं नहाने जाऊंगी, तो ये देखें ये दो लोशन इकट्ठे हो गए हैं हमारे पास पॉन्ड्स के, ये मेरा था और ये मेरा मेटर लेकर आया था उसके पास था, ये तो वो भी छुट्टियां गुजारने आया हुआ है घर में। तो ये है सामान उसका, जितने वक्त उसको दे दूँगी मैं, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं के बाद में फाइनल लुक कैसी आई है। और टाइम देख लें जी, 12 बजने वाले हैं, और हांडी रोटी की तैयारी हो रही है, चावल भी मैं शायद बना ही लूँ। तो ये चावल मैंने मंगा के रखे थे, ये शायद मैं बना लूँ, लेकिन अब शाम को बनाऊँगी, अभी मेरा दिल नहीं खत्म बनाने का। अब सब चीज़ें फ्रिज में पड़ी हैं, अभी सालन भी पड़ा है रात वाला चिकन का बुना हुआ, और दाल भी पड़ी है, तो ऐसे नवाना चीज़ें बना बना के रखी जाऊँ, खाने वाले हो ही ना, पहले ख़त्म करूँगी फिर बनाऊँगी। चले ये मैं आटे को ज़रा दो हाथ कर लूँ आटे से, इसलिए कि घर में और कोई है नहीं जो इसको पकड़े, तो मुझे अकेले को बनाना पड़ेगा। तो मिलते हैं फिर आपसे सालन जब बोलूँगी जब। हाँ जी, मैंने नहा लिया है, मैं ऊपर जा रही हूँ, तो मैंने सोचा मैं आपको सालन की जो है ना फाइनल शक्ल दिखा लूँ। ये है सालन की फाइनल शक्ल, इसको हमने अच्छी तरीके से सारा कुछ डाल के भून लिया था तेल डाल के, और उसके बाद फिर अच्छी तरह भुनाई करके 10 मिनट फिर मैंने इसमें मटर ऐड कर दिए। उसके बाद फिर जो मटर गल गए अच्छी तरह, बल्कि गले हुए थे, उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर हरा धनिया और गरम मसाला ऐड कर दिया,
तो ये हमारा सालन रेडी हो गया। तो अब मैं जो हूँ ऊपर जाऊँगी, लाइट किचन की मैं ऑफ कर दूँ और फिर मैं तेल लेकर जाऊँगी ऊपर और रखूँगा, क्योंकि मुझे वहीं जाके अपने ना बार बार सुखाने हैं, तो वहीं जाके फिर मैं इसी में डाल लेती हूँ पहले भी सारा सामान। तो दो तीनों भी रख लिए मैंने और सब ऊपर चले, अब मैं ऊपर जा रही हूँ अभी, तो पाँव कुछ करूँ ज़रा। ये है कपड़ा हमारा पैर खुश करने वाला, नहाने के बाद पैरों को लाजमी खुश करना चाहिए, नहीं तो फिर गीले गीले पाँव रहते हैं, गंदे लगते हैं। ऐसे जब ये ड्राई हो जाएंगे फिर आप कोई लोशन लगा लें इनके ऊपर, वैसलीन लोशन लगा के फिर आप मोजे पहने। मैं ऊपर जा रही हूँ, चलना नहीं जाना, ऊपर जाने का कोई भी तैयार नहीं होता। चलिए मैं फिर तेल है और एक कंगा लेकर जाऊँगी, मैं दूध वाला आएगा उसमें पड़े हैं पैसे, 1 किलो लेना है छोटे वाले बर्तन में। चलिए ऊपर जा रही हूँ, देखें जी मैं आ गई हूँ छत पे और ये देखें ये मौज़ों का और टोपियों का जुम्मन बाजार लेने आपने इसलिए कि वो कल कपड़े धोए थे तो ये मौज़े भी गीले थे, बहुत सारे मौज़े हो गए थे, तो ये फिर मैंने कहा कि अभी पड़े रहे वहाँ पर, अगले दिन उनको उतार लेंगे। तो अब ये धूप ऐसी है ना माशाल्लाह, मौसम बदल गया है, वैसे अच्छी धूप आ गई है तेज़। देखिए आसमान कैसे माशाल्लाह से नीला आसमान है, खूबसूरत चमक रहा है और ऊपर सुकून है छत पे। कमरे में लेकर चलूँ आपको, ये कमरा है, ये हमने सारा कबाड़ दे दिया था उस दिन कबाड़ी को, तो ये साफ ही है तकरीबन अब घर, सिर्फ इसमें झाड़ू देने वाला है बस। और ये देखिए बकरियां फिर बांधी हुई हैं, उन्होंने धूप में बैठी हैं मज़े से, सुकून आ रहा है इनको भी बेचारियों को। खामोशी है बिल्कुल, दूर दूर तक कोई भी नहीं है, पुरसकून माहौल है। ये हमारा घर होता था पुराना, इसमें भी रहते थे पहले, फिर हम शिफ्ट हो गए नीचे और ये बेचारा हो गया आलम खाली। चलो जी वीडियो के एंड करते हैं यहाँ पर हम, और मैं अपना बालों को रोक चुप लगवा लूँ, अभी भी इतना अच्छा मौसम है कि दिल करता थोड़ी देर के लिए धूप में आके बैठो, सुकून आया था जिसम को, मुझे तो वैसे भी आ रहा है कि जुकाम इतना हो रहा था। अल्लाह करे तबीयत बेहतर हो जाए, फिर आपको प्रॉपर ब्लॉग दिया करूँगी, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।